दोस्तों स्वागत है आपका आज के टेक न्यूज में। मेरा नाम है विशाख, आप देख रहे हैं अल्फा गैजेटेरियन। लेकर आया हूँ मैं आपके लिए टेक वर्ल्ड से रिलेटेड अपडेट्स, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले टेक अपडेट की तरफ। दोस्तों पहला अपडेट है रियलमी की तरफ से। रियलमी लेके आ चुका है अपने दोनों स्मार्टफोन्स, रियलमी 7 और रियलमी 7 प्रो इंडिया में। जहां तक रियलमी 7 की बात है, हमें देखने को मिलेगा एक 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले, मतलब रिफ्रेश रेट, मीडियाटेक हेलियो G95 का प्रोसेसर, 5000 मिलियन पावर की बैटरी। और ये फोन दो वेरिएंट्स में आएगा, एक होगा 6GB रैम 64GB स्टोरेज जिसका प्राइस होगा 14999, और एक होगा 8GB रैम 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस होगा 16999। रियलमी 7 की जहां तक बात है, सेल शुरू होगा 10 सितंबर से दिन में 12 बजे से फ्लिपकार्ट और रियलमी के खुद के ईटेल पोर्टल्स पे। और रियलमी 7 प्रो की जहां तक बात है, हाइलाइट्स में हमें देखने को मिलेगा 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा, एमोलेड डिस्प्ले, 65 वॉट का सुपर डार्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी और स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर। और ये फोन भी रियलमी 7 प्रो भी दो वेरिएंट में लॉन्च होगा, एक होगा 6GB रैम 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस होगा 19999, और 8GB रैम 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस होगा 21999। और रियलमी 7 प्रो का सेल शुरू होगा 14 सितंबर को फ्लिपकार्ट और रियलमी खुद के ईटेल पोर्टल्स पे। तो दोस्तों यही था रियलमी से रिलेटेड अपडेट, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे अपडेट की तरफ। दोस्तों अगला अपडेट है TCL की तरफ से। TCL ने अनाउंस किया है एक स्मार्ट वॉच जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए TCL बना रहा है, और TCL क्लेम कर रहा है इसमें जीरो आई स्ट्रेन डिस्प्ले होगा, मतलब आंखों पे कोई स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। 41mm बाई 48.5mm का एक एमोलेड डिस्प्ले होगा इस वॉच में। मूव टाइम जो होगा इस वॉच का, उसको सीनियर्स के लिए ऑप्टिमाइज किया हुआ होगा। लार्ज आइकॉन्स होंगे, वॉच फेसेस के जो ग्राफिक्स होंगे वो ऐसे होंगे कि आसानी से आंख से दिख पाए। वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट होगा ये वॉच अप टू IP67 के स्पेसिफिकेशंस तक। और दो कलर्स में ये वॉच हमें देखने को मिलेगा, एक होगा डार्क ग्रे और दूसरा होगा ब्लैक। वैसे दोस्तों जहां जब सीनियर सिटीजन की बात आती है, हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन जाता है। ऐसे में अगर उस एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए ये स्मार्ट वॉच डेवलप की जा रही है, तो ये काफी अच्छा स्टेप हो सकता है TCL की तरफ से और काफी अच्छा सर्व कर सकता है उस एज ग्रुप को। देखते हैं कब लॉन्च होता है और कैसा परफॉर्म करता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला अपडेट है LG की तरफ से। LG लेके आने वाला है एक डुअल डिस्प्ले स्मार्टफोन। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फोन का नाम होगा LG Wing, और इस फोन का लॉन्च एक्सपेक्ट किया जा रहा है, LG लॉन्च करेगा इस फोन को 14 सितंबर को। एक्सपेक्टेड प्राइस है $1260 जो कि हो गया लगभग 92,000 रुपीज। फोन में दो डिस्प्ले होगा, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जो सेकेंडरी डिस्प्ले होगा वो बाहर निकल जाएगा और फोन को एक टी शेप देगा। प्राइमरी डिस्प्ले जो होगा उसका स्क्रीन साइज होगा 6.8 इंच का, और जो सेकेंडरी डिस्प्ले होगा उसका स्क्रीन साइज होगा 4 इंच का, ताकि जो यूजर है वो एक ही साथ दोनों डिस्प्ले पे अलग अलग टास्क परफॉर्म कर पाए। और स्नैपड्रैगन 765 का एक्सपेक्टेड प्रोसेसर होगा इस फोन में। देखते हैं क्या अपडेट्स आते हैं बाद में, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला अपडेट है ZTE के तरफ से। फाइनली ZTE ने लॉन्च अनाउंस कर दिया है पहले अंडर डिस्प्ले कैमरा वाले स्मार्टफोन का। Xiaomi भी हम सुन रहे थे इस कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है, पर Xiaomi के अंडर डिस्प्ले कैमरा वाले स्मार्टफोन्स एक्सपेक्टेड है 2021 तक आएंगे, पर ZTE ने लॉन्च अनाउंस कर दिया है अपने पहले अंडर डिस्प्ले कैमरा वाले स्मार्टफोन का। फोन होगा ZTE Axon 20 जो कि एक 5G फोन होगा। 6.92 इंच का OLED डिस्प्ले होगा, सामने की तरफ फुल HD प्लस रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, और जो अंडर डिस्प्ले कैमरा होगा वो होगा 32 मेगापिक्सल का। ZTE क्लेम कर रहा है कि उसने 5 अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट किया है इस अंडर डिस्प्ले कैमरा वाले स्मार्टफोन को बनाने के लिए। जो 5 अलग अलग टेक्नोलॉजीज को ZTE ने अडॉप्ट किया है वो है हाई ट्रांसपेरेंसी मटेरियल डिस्प्ले के लिए, ताकि उतनी ही लाइट कैमरा तक भी पहुंचे, जो अंडर डिस्प्ले वाला कैमरा है उसको सही अप्रोप्रिएट लाइट मिले। डुअल कंट्रोल चिप हो, एक इंटीग्रेटेड ड्राइवर सर्किट हो, ताकि कलर सिंक्रोनाइजेशन हो कैमरा और बाकी डिस्प्ले के साथ, और एक यूनिक ड्राइवर सर्किट लेआउट डिजाइन हो ताकि इंटरफेरेंस ना हो दोनों के बीच में। इसके साथ ही साथ हमें देखने को मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G का चिपसेट, 6GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 256GB स्टोरेज। दो अलग अलग वेरिएंट्स होंगे। मोबाइल में बैटरी होगी 4220 मिलियन पावर की, और 5G का सपोर्ट होगा। और बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप होगा, 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। वही 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का वाइड सेंसर, फिर जो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और बाकी 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर। कब तक ये फोन इंडिया में आएगा उससे रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है, पर आपको क्या लग रहा है इंडिया में कब तक आ सकता है और किस प्राइस पे आ सकता है, कॉमेंट करके जरूर बताएं।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ शॉर्ट टेक अपडेट्स भी हैं, जिसमें पहला है इंस्टाग्राम ने एक डेडिकेटेड टैब बना दिया है इंस्टा रील्स का क्विक एक्सेस के लिए। दूसरा है पबजी मोबाइल को हटा दिया गया है ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से। थर्सडे शाम तक ये थे दोनों ऐप स्टोर प्ले स्टोर पर, अब नहीं है, इनको हटा दिया गया है। और तीसरा अपडेट है पबजी मोबाइल का एक इंडियन ऑल्टरनेटिव आया है 4G, जिसका फुल फॉर्म है फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। इसका अनाउंस किया था अक्षय कुमार ने। और इस गेम का 20% जो रेवेन्यू होगा वो जाएगा भारत के वीर फंड में। देखते हैं ये गेम कैसा रहता है और कैसा परफॉर्म करता है। आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आज के टेक न्यूज में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कौन सा टेक न्यूज आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा, शेयर कर दीजिए इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियोस डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।